जो है मैं आपको मिलवाने लगी हूँ उससे जिसके साथ मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जो है मैं यहाँ पे चाय रखने आई थी, लेकिन एज यूजुअल केस नहीं है, एज एक्सपेक्टेड, तो अभी फिर से जाएंगे और सिलेंडर पे चाय बनाएंगे। तो अब चलो वहीं चलते हैं, अब सारा सामान वहीं पे उठा के चलते हैं और वहीं पे सिलेंडर पे चाय बनाते हैं। तो जी ये ऑलमोस्ट बन गई है मेरी यहाँ पे चाय एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस बिकॉज मैं बालकनी में बैठी हूँ। एक तो पीछे से ये बर्ड्स की आवाज़ और ट्रैफिक की आवाज़ सुनती है, आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे मेरी चाय बन के हो गई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी, ये चाय रेडी हो गई है, मेरी कुल्हड़ वाली चाय, आपी की मग वाली चाय और साथ में ये रस्क। अभी तो चाय पी ली, रेस्ट कर लिया, वीडियो एडिटिंग कर ली, जो व्लॉग अपलोड आज होना है उसकी एडिटिंग डन कर दी है, आप जाके देख सकते हैं, ये पहले कंप्लीट करके देखें और उसके बाद आप जाके वो वाला व्लॉग देख सकते हैं जो आज अपलोड हुआ है। और नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क, अपनी असाइनमेंट्स के पास वापस आके बैठना है। ये रहा मेरा सारा मटेरियल एंड नाउ आई विल कंटिन्यू माई असाइनमेंट्स। आज जो है खाने में बनी है करेले की सब्ज़ी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, आप ही बताओ क्या डिफरेंट है इसमें। डिफरेंट यह है कि इसमें सीजनल जो अभी कैरी आई हुई है, तो हम उन कैरियों को जो है वो लंबा लंबा काट के उसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसमें खट्टापन आता है, अच्छी लगती हैं करेले, प्याज और इसमें बंद गोभी हमने डाली हुई है। और बंद गोभी करेले में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके साथ हैं ये रोटियाँ। देखें ये हालात हैं कराची के, जो गैस बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो हम बालकनी में, रूम की बालकनी में ये सिलेंडर रख के इसी पे खाना बना रहे हैं और ये सारी कटिंग वगैरह करके एक चीज़ आप ही यहाँ पे लेके आई हैं। अब क्या बना रही हैं आप ही? आप आज हम बना रहे हैं भाई मसाला खिचड़ी, जो कि बहुत इंस्टेंट बन जाती है और आपका गैस भी जो है वो बच जाता है, रादर देन आप सब्ज़ी बनाएँ और उसके बाद फिर अलग से आटा लगाएँ और फिर अलग से रोटियाँ पकाएँ, तो उसमें और ज़्यादा गैस चली जाती है। आप प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ बनाएंगे, सो हम तो हैं ही दो लोग, तो झटपट से आज आपको बताते हैं मसाला खिचड़ी बनाने की रेसिपी, साथ साथ कि भाई मसाला खिचड़ी झटपट इंस्टेंट कैसे बन जाती है। और सच्ची बताऊँ, पहली बार जब आप ही ने ये मुझे खिलाई थी ना, आज मैंने दोबारा फरमाइश की है कि मुझे ये खानी है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लगी थी। आप एक बार ट्राई करेंगे ना, आप लिटरली दोबारा बना के ज़रूर खाएँगे, और अगर आप बनाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप ही ने इसमें ऐड किया है ऑयल, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हैं स्लाइस्ड अनियंस, भाई हम जो है वो अनियंस को थोड़ा सा जो है वो गोल्डन ब्राउन होने देंगे, जबकि ये गैस ही ऐसा है, तो मैं इसको जल्दी पकने के लिए क्या करती हूँ, ढक लगा देती हूँ, ढक देती हूँ ताकि जो है वो जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी जल्दी खाना बन जाए। अब सही, जैसे ही हमारे अनियंस जो हैं वो थोड़े ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और जो नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल के हमने उसको थोड़ा घुमा दिया है। अब उसके बाद मैंने ये एक ही जो है वो टमाटर लिया है, आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, एक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे हम,
और अब टमाटर के बाद मेरी बारी आती है हमारे सारे मसालों की। तो हम इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जितना सॉल्ट खाते हैं उतना ऐड करेंगे, और मिर्च जो है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करें, कम खाते हैं तो नॉर्मल रखें। और इसमें हल्दी जाती है, इसके बाद है एक चम्मच हम तकरीबन धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और इतना सा थोड़ा सा लाइक टेस्ट थोड़ा सा उसमें आ जाए तो हम वो बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स, और जब भी हम मसाले डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी लाजमी ऐड कीजिए, बिकॉज पानी ऐड करने से आपके मसाले जो हैं वो अच्छे से पकते हैं और जलते नहीं, जलते नहीं है मसाले आपके, अच्छे से पक जाते हैं। अब टमाटर को हम जो है वो थोड़ा सा गलने देंगे, जो है ना प्रॉपर मेजरमेंट मसालों की कुछ भी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मम्मा ने हमें स्टार्टिंग से, हम दोनों बहनों को ऐसे ही खाना बनाना सिखाया, हम अंदाजे से सब ऐड करते हैं जितने भी मसाले होते हैं। आज तक हमने मेजरमेंट से कभी भी खाना नहीं बनाया कि इतना डालना है, इतने चम्मच डालने हैं, बिकॉज मम्मा ने हमें जो भी सिखाया है ना वो यही है कि अंदाजे से, और बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी खाना बनता है। एक बार आप सीख गए तो आप भी सोचेंगे कि हाँ अंदाजे से पता चल जाता है कि मसाले सही है या कम है या ज़्यादा है। और आजकल जो है वो हम दोनों सिस्टर मास्टर शेफ भी ज़्यादा देख रहे हैं, तो कल हमने फिनाले का वीक देखा तो उसमें हमारे मोस्ट फेवरेट जो हमारी फैमिली, मतलब हम बचपन से जिस शेफ को देखते आ रहे हैं संजीव कपूर, वो हमें हमारी फैमिली के लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी सरनेम की वजह से, नहीं तो, और ये भी है कि बचपन से मम्मा भी उनके शोज देखती थी तो हाँ, ऐसा लगता है कि वो हमारे घर के अपने, हमारे घर के अपने। तो उन्होंने भी कल एक बात बोली थी मास्टर शेफ में कि आप जब किसी भी चीज को मेजर करके डालते हैं ना तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है कि ये मेजर किया है, इतना मेजर किया, और मेजरमेंट करके हमने जो है वो खाना बनाया, तो अंदाजा सीख जाओ, अंदाजे से आपका खाना और भी, और आप मतलब बिना डर के खाना बनाते हैं। सो आइए आप सब रिया के फ्रेंड्स कभी आइए हमारे घर खाना खाने, हमारी मामा बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अब टोमेटो हमारा मैश हो चुका है काफी हद तक, जो है वो टोमेटो मतलब आपका हल्का हल्का भी रह जाए उस स्टेज में आप अपनी जो है वो स्टेज में आप अपनी सारी जो है वो सब्जी डाल दें, जो भी आप डालना चाहें, जो आप खाते हो। मैंने डाली है गाजर, आलू, और आज हमने डाला है इसमें भाई पत्ता गोभी। तो आप जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं लाइक बीन्स, मटर, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, आप ऐड कर सकते हो इस मसाला खिचड़ी में, बहुत अच्छी लगती है और प्रोटीन भी आपको मिलेगा, आपको हेल्दी भी लगेगी। तो हम तो यही बनाते हैं भाई, इंस्टेंट खिचड़ी बोलें आप इसको, कुछ भी बोलें। तो हमने सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं, सारी सब्जियों को ऐड करने के बाद जो हमने दाल और राइस को जो है वो साथ में भिगो के रख दिया था तकरीबन 2-3 घंटे पहले, ताकि ये देखें जैसे ही दाल को आप हाथ से तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, तो उससे क्या होता है आपकी खिचड़ी जो है वो जल्दी बन जाती है, पहले भिगो के रख दें। तो अब हम इसमें जो है वो ये ऐड कर देंगे। अब तकरीबन खिचड़ी बनाने के लिए आपको पानी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली आप जितना चावल लेते हैं उतने ही पुलाव बनाने के लिए पानी लेते हैं, लेकिन यहाँ मेजरमेंट ज्यादा जाती है, ये एक और ये भाई दो, और ये दो से थोड़ा सा कम, मतलब हाफ आप उसका ले लें, ये हो गया ढाई। अब हम इसको ढक के तकरीबन जो है वो 5 से 6 सीटियां जो है वो मैं कुकर की दिलाती हूँ। अब ये भी आपके कुकर पे डिपेंड करता है कि आप जो भी कुकर के हिसाब से भी डिपेंड करता है, हमारा तो इंडियन कुकर है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको 4 सीटियों की ज़रूरत पड़ रही है या 5 या मेरी तरह 6 की ज़रूरत। तो यहाँ पे बन गई है हमारी खिचड़ी, मसाला खिचड़ी। सो आप देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स इसमें अच्छे से गल चुकी हैं, और अब हम इसको इसका मज़ा लेते हैं। तो आप भी बनाइए घर में, ट्राई कीजिए, और हमें भी बताइए कि आपको हमारी ये जल्दबाजी, मतलब जल्दी में बनने वाली खिचड़ी जो है वो कैसे लगी, मसाला खिचड़ी। हाँ ओके, तो
असाइनमेंट करके बैग वगैरह सेट करके मैंने रख दिया है। कल के लिए जो ड्रेस पहननी है वो भी मैंने रेडी करके रख दी है। अब जो है मैं आपको मिलवाने लगी हूँ उससे जिसके साथ मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। ओके सो 3, 2, 1 दिस कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ना मेरा सच्चा प्यार है। मैं कॉफ़ी के साथ बहुत प्यार करती हूँ। ओके सो जोक्स अपार्ट, मैं अभी बनाऊंगी कॉफ़ी। मैं क्या करती हूँ कि अपनी बीटन कॉफ़ी रेडी करके रख देती हूँ। बीट किस तरीके से करती हूँ और कैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम जो है टाइम की बचत करवाती है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना के रखती हूँ। एक थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्वान्टिटी में बना के स्टोर करके रख देती हूँ। अगर आप भी बना रहे हैं तो आपको भी काफ़ी हेल्प होगी। तो सबसे पहले आपको जिसकी ज़रूरत होगी वो है एक छोटी सी कोई बॉटल। मेक श्योर कि वो बॉटल जो है वो थोड़ी सी नेरो हो, पतली हो। वैसे ये बॉटल कौन सी है, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं ना डेली तो आपको पता होगा ये किस चीज़ की बॉटल है। और मैं ऐसी उटपटांग चीज़ें पहले ही मैंने बताया कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं संभाल के रखती हूँ, तो ये मैंने संभाल के रखी थी और मुझे इस काम आती हैं ऐसी छोटी छोटी पतली वाली बॉटल्स। तो अब इसमें हम बनाएंगे अपनी कॉफ़ी। ओके तो अब जो है मैंने इसमें शुगर और कॉफ़ी ऐड कर दी है। आपको किस तरीके से ऐड करनी है, देखो एक चम्मच कॉफ़ी अगर आप ऐड करें तो आपको इसमें 2 चम्मच जो है शुगर ऐड करनी होती है, लेकिन मैं कॉफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, यानी कि आधा चम्मच एक्स्ट्रा रखती हूँ। या फिर आप कह दो कि शुगर थोड़ी सी कम ऐड करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करती, जितनी ऐड की जाती है उतनी नहीं करती, थोड़ी सी कम ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे हल्की सी ना बिटर कॉफ़ी पसंद है, बिल्कुल मीठी वाली नहीं पसंद, हल्की बिटर होनी चाहिए। तो इसमें मैंने कॉफ़ी और अपनी जो है शुगर ऐड की है, शुगर मैंने ऐड की है 4 चम्मच और कॉफ़ी मैंने ऐड की है तकरीबन 2.5 चम्मच इतनी। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी और फिर इसको पूरे अच्छे तरीके से ना मिक्स करूँगी। ओके तो अब इसमें पानी मैंने इतना ऐड किया है कि जितनी शुगर और इसका जो मिक्सचर था ना, जो ये दोनों थी, उसके थोड़ा सा ऊपर जितना पानी मैंने अंदाजे से ऐड किया है। आप इसे थोड़ा सा पहले कम ऐड करके देखें, बस इतना कि ये जो पूरा शुगर और कॉफ़ी उसमें अंदर डूब जाए, उतना सा पानी ऐड करना है और फिर उसके बाद मिक्स करना है, लेकिन याद रहे ढक्कन लगा के। अब इस बॉटल में कॉफ़ी बीट करना बहुत आसान है, दिखाऊँ कैसे। 3, 2, 1 तैयार है जी हमारी झटपट बनने वाली कॉफ़ी। जादूगर भी हूँ मैं, साथ ही साथ इतना टैलेंट है मुझ में, देखो। अब जो है ये कॉफ़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखो ये पूरी ना बीट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी। ये अब आपको रख देनी है फ्रिज में, फिर आप जब भी बनाएं कोल्ड चाहे कैपुचिनो, बस आपको दूध गर्म करना है या फिर बिल्कुल चिल्ड मिल्क लेना है और फिर उसमें ये ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू यू। आप चाहे तो 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच या 3 चम्मच, जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बस इसको ऐड करके बनाना है और आपकी कॉफ़ी तैयार। कोई ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली बन जाती है। एक बार ट्राई करके देखना, बनाना और कमेंट में बताना कैसी लगी। और वैसे नॉर्मल कॉफ़ी से ज़्यादा ना टेस्टी भी लगती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी की हो जाती है और दूध भी क्रीमी हो जाता है जब हम इसको कॉफ़ी प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। तो ओके जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा व्लॉग था और छोटा सा भी था, क्योंकि आज मैं कहीं बाहर गई नहीं। वैसे भी मैं बाहर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यूनि जाती हूँ, यूनि से घर, घर से यूनि, यूनि से घर, यही मेरी रूटीन होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। और बाकी जो है ये जो कॉफ़ी है अब यहाँ तक तो मैंने यहाँ पे बनाई है, अब इसे आगे जो है मैं कल सुबह जब बनाऊँगी तो आपको ये कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो हाँ, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।